हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टेरी पाइल स्ट्रक्चर। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर टेरी पाइल स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाइए, लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और आज मैं आपके लिए टेरी पाइल स्ट्रक्चर का वीडियो लेके आया हूँ। दूसरे काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए हुए हैं अलग अलग टॉपिक पे। एक जीनिंग प्रोसेस के लिए आया हुआ है, एक वीविंग प्रोसेस के लिए आया हुआ है, डबल क्लॉथ के लिए भी मेरे पास कमेंट आया हुआ है। तो उन सभी टॉपिक्स को मैं वन बाय वन कवर करूँगा, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा जो भी आपने मुझे सजेस्ट किए हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करते रहिए। हम और भी अलग अलग तरह के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसके अलावा मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि जो मैंने पहले वीव डिज़ाइन के जो भी वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने ड्राफ्टिंग प्लान और लिफ्टिंग प्लान नहीं बनाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस टाइम पर मैं नहीं बना पाया। मैं कोशिश करूँगा कि आगे उनके पैक प्लान और ड्राफ्टिंग प्लान के साथ वीडियो बनाऊँ। लेकिन फिर भी जिनको ड्राफ्टिंग प्लान और लिफ्टिंग प्लान बनाने में प्रॉब्लम आ रही हैं, वो मेरा वीडियो हाउ टू मेक ड्राफ्टिंग प्लान ऑफ एनी वीव या हाउ टू मेक लिफ्टिंग प्लान ऑफ एनी वीव, वो दोनों वीडियो आप देख कर उससे किसी भी वीव का ड्राफ्टिंग प्लान और लिफ्टिंग प्लान ईजिली बना सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेरी पाइल स्ट्रक्चर। टेरी पाइल स्ट्रक्चर के अंदर हम आज इंट्रोडक्शन टू टेरी पाइल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ टेरी पाइल स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेरी पाइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो मुझे ये दो पार्ट्स में बनाना पड़ेगा, और अगर एक ही वीडियो में बन जाएगा तो आपके लिए सारे टॉपिक मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेरी टावल की, इंट्रोडक्शन की। टेरी टावल को बेसिकली टर्किश टावलिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये वार्प पाइल स्ट्रक्चर का एक टाइप है, एक क्लास है। वार्प पाइल स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनमें एक टाइप टेरी पाइल स्ट्रक्चर होता है। टेरी पाइल स्ट्रक्चर बेसिकली टावलिंग फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम एक स्पेशल लूम का यूज़ करते हैं। एक जो नॉर्मल लूम हम यूज़ करते हैं फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके अपोजिट हम इस टाइप की लूम टेरी टावल को प्रोड्यूस करने के लिए या टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि इस लूम के अंदर दो बीम यूज़ की जाती हैं, एक अपर बीम एक लोअर बीम, जबकि हम नॉर्मल फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए केवल एक ही बीम, बैक बीम यूज़ करते हैं। बट इसके अंदर हम दो बीम्स का यूज़ करते हैं। दो बीम्स का यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि जो टेरी पाइल स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर दो सीरीज़ वार्प की और एक सीरीज़ वेफ्ट की यूज़ की जाती है। दो सीरीज़ वार्प से मेरा मतलब है कि एक वार्प यार्न हम ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं और एक वार्प यार्न हम पाइल के लिए यूज़ करते हैं। टेरी पाइल स्ट्रक्चर के अंदर सरफेस के ऊपर, फैब्रिक के सरफेस के ऊपर हम लूप्स को क्रिएट करते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सरफेस के ऊपर लूप्स को क्रिएट करते हैं जिन्हें पाइल्स भी कहा जाता है। इन लूप्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक अलग वार्प बीम की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर पाइल यार्न वाइंड किया होता है। तो टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए हम सिंगल सीरीज वेफ्ट की और दो सीरीज वार्प की यूज़ करते हैं। उन दो सीरीज वार्प की दो सीरीज में एक सीरीज का नाम होता है पाइल वार्प यार्न और दूसरी सीरीज का नाम होता है ग्राउंड वार्प यार्न। ग्राउंड वार्प यार्न वेफ्ट यार्न के साथ इंटरलेसमेंट करके ग्राउंड फैब्रिक प्रोड्यूस करता है और पाइल वार्प यार्न ग्राउंड फैब्रिक के साथ इंटरलेसमेंट करके फैब्रिक के सरफेस पे लूप्स या पाइल प्रोड्यूस करता है। ये पाइल्स का पर्पज होता है
फैब्रिक को एब्जॉर्बेंट बनाना, फैब्रिक को स्मूथ बनाना, क्योंकि टावल का यूज़ हम मोस्टली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं, या टावलिंग फैब्रिक्स का यूज़ हम मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी के लिए करते हैं। सॉफ्ट फील दे हमें टावल, हम चाहते हैं कि हमारा टावल स्मूथ हो, सॉफ्ट फील दे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। इस पर्पजीज़ के लिए हम टावल का यूज़ करते हैं। और इन पर्पजीज़ को, इन एंड यूज़ को ध्यान में रखते हुए टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली टेरी पाइल स्ट्रक्चर के लिए हम कॉटन यार्न का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉटन की मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फाइबर, और कॉटन स्मूथ फील देता है, हार्श फील नहीं देता है। इस वजह से भी कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में हम लिनन का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एथलेटिक पर्पजेज के लिए जो टावल यूज़ किए जाते हैं उनमें थोड़ा हार्श टावल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम लिनन का यूज़ करके टावल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टेरी पाइल के लिए कुछ परसेंटेज में लिनन यान का भी यूज़ किया जाता है और मोस्टली कॉटन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्बेंसी, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट वाइज कॉटन सूटेबल होता है। एक्रेलिक यार्न को भी हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी कम होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन उसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। मोस्टली हम कॉटन यार्न को ही टेरी पाइल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं लूम की, जो टेरी लूम है उसका डायग्राम आप देख सकते हैं। टेरी लूम के अंदर दो बीम होती हैं, एक पाइल वार्प बीम और एक ग्राउंड वार्प बीम। ग्राउंड वार्प बीम से ग्राउंड वार्प यार्न आता है, जो वेफ्ट यार्न के साथ इंटरलेसमेंट करके ग्राउंड फैब्रिक बनाता है ताकि टावल को स्ट्रेंथ मिल सके। और पाइल वार्प बीम से पाइल वार्प यार्न आता है, जो फैब्रिक के सरफेस पे लूप प्रोड्यूस करता है जो एब्जॉर्बेंसी का काम करती है। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज़ किया जाता है जो हमारी नॉर्मल वीविंग से अलग होता है। वो कैसे किया जाता है वो हम फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेरी पाइल को हम कितने टाइप्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम है जिसके अंदर अगर हम फैब्रिक के सरफेस पे केवल फेस साइड पे पाइल या लूप्स क्रिएट करते हैं तो उसे सिंगल साइडेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ग्राउंड फैब्रिक के ऊपर लूप्स दिखाई दे रही हैं जो कि केवल फेस साइड पर है। सिंगल साइडेड स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को सिंगल साइडेड स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही साइड पर लूप्स या पाइल होती। दूसरा टाइप जो है उसके अंदर फेस साइड और बैक साइड दोनों साइड्स में लूप प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं फेस साइड पर और बैक साइड पर दोनों साइड पर लूप्स हैं, तो इसे डबल साइडेड स्ट्रक्चर कहा जाता है या इसे रिवर्सिबल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों तरफ लूप होते हैं इसलिए इसे रिवर्सिबल स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। जो थर्ड टाइप है उसके अंदर फेस साइड पर हम अल्टरनेट पाइल्स और उसी फेस पाइल को हम बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि जो पाइल यार्न है वो पहले फेस साइड पे लूप बना रहा है, उसके बाद वही यार्न बैक साइड पे लूप बना रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम अल्टरनेटली पाइल्स को प्रोड्यूस करते हैं एक डिफरेंट डिज़ाइन प्रोड्यूस करने के लिए टेरी पाइल स्ट्रक्चर का। इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो फेस यार्न एक बार फेस साइड में लूप बना रहा है फिर दूसरी बार बैक साइड में बना रहा है, ऐसे ही हम बैक में दूसरा यार्न यूज, दूसरे कलर का यार्न यूज़ कर सकते हैं जो एक बार फेस साइड में लूप बनाएगा उसके बाद बैक साइड में लूप बनाएगा। तो फेस पाइल यार्न फेस और बैक दोनों में इंटरचेंज हो रहा है, और ऐसे ही जो बैक पाइल यार्न है वो बैक में लूप बना के फेस में बना रहा है और फेस में लूप बना के बैक में बना रहा है। तो दोनों फेस पाइल यार्न और बैक पाइल यार्न आपस में अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन प्रोड्यूस करने के लिए टावल का। तो इस तरीके से भी हम टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेरी पाइल स्ट्रक्चर, कि टेरी पाइल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं।
तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन यानी कि टेरिपाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। नॉर्मल वीविंग में हमने देखा है कि वार्प यार्न वेफ्ट यार्न के साथ इंटरलेसमेंट करके फैब्रिक को प्रोड्यूस करता है, जो भी डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन टेरिपाइल स्ट्रक्चर में हम स्पेशल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अलग से पाइल प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं फैब्रिक के सरफेस पे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं डायग्राम में, पाइल वार्प यार्न और ग्राउंड वार्प यार्न दोनों आपस में मिलकर वर्किंग करते हैं। तो हम इसके लिए पहला मेथड जो यूज़ करते हैं पाइल प्रोड्यूस करने के लिए कि हम एक फाल्स क्लोथ फेल प्रोड्यूस करते हैं। टेरिपाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक सर्टेन गैप क्रिएट करते हैं। जो क्लोथ फेल पोजीशन होती है टेरिपाइल स्ट्रक्चर में, उसके बीच में और जो हमारी सक्सीडिंग पिक्स हैं, जो आने वाली पिक्स हैं, उनके बीच में एक सर्टेन गैप क्रिएट किया जाता है पाइल की फॉर्मेशन के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हम थ्री पिक टेरिपाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बेसिकली थ्री पिक टेरिपाइल, फोर पिक टेरिपाइल, फाइव पिक टेरिपाइल, सिक्स पिक टेरिपाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किए जाते हैं। थ्री पिक टेरिपाइल, इसके अंदर हम तीन पिक के अंदर पाइल प्रोड्यूस करते हैं। फोर पिक में हम फोर पिक के अंदर करते हैं, वो कैसे करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। थ्री पिक टेरिपाइल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट पिक को इंसर्ट करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट पिक को इंसर्ट किया, उसको एक सर्टेन पॉइंट तक हम बीटअप करते हैं, फुल बीटअप नहीं करते हैं, एक फाल्स बीटअप पॉइंट क्रिएट किया जाता है, फाल्स क्लोथ फेल क्रिएट किया जाता है, उस पॉइंट तक जो पिक हैं उनको लेके जाया जाता है। जैसे फर्स्ट पिक को हम फुल बीटअप नहीं करेंगे, एक सर्टेन पॉइंट तक लेके जाएंगे, उसके बाद सेकेंड पिक है उसको भी हम फुल बीटअप नहीं करेंगे, उसको एक सर्टेन पॉइंट तक लेकर जाएंगे। जब थर्ड पिक इंसर्ट होगी तो हम तीनों पिक्स को एक साथ ओरिजिनल क्लोथ फेल पॉइंट तक लेकर जाएंगे, जिससे जो एक हमने गैप क्रिएट किया है वो एक पाइल की फॉर्म ले लेता है। जैसे ही थर्ड पिक इंसर्ट होगी, दो पिक को हम फाल्स बीटअप पॉइंट तक लेकर गए और जैसे ही हमारी थर्ड पिक आई उसको हमने फुल बीटअप पॉइंट तक, दोनों तीनों पिक को हम एक साथ ओरिजिनल क्लोथ फेल तक लेके जाते हैं। और जिस टाइम पे ये प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पर पाइल वार्प यार्न रिलीज होता है पाइल वार्प बीम से, जिसकी वजह से लूप फॉर्मेशन होती है। पाइल वार्प यार्न रिलीज क्यों होता है, क्योंकि जो पाइल वार्प यार्न की टेंशन है उसको हम लो रखते हैं, जबकि ग्राउंड वार्प की टेंशन को हम हाई रखते हैं ताकि सरफेस के ऊपर पाइल की फॉर्मेशन हो सके और जो ग्राउंड फैब्रिक है उसको अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके। तो जो ग्राउंड वार्प यार्न हैं वो हैविली टेंशनड होते हैं, उनकी टेंशन ज़्यादा होती है, और जो पाइल वार्प यार्न है पाइल वार्प बीम में उनकी टेंशन लो होती है, ताकि ज़्यादा वार्प यार्न, एक्स्ट्रा वार्प जो है वो रिलीज़ किया जा सके लूप की फॉर्मेशन के लिए। तो हम दोबारा देखते हैं कि जैसे हमने पहले फर्स्ट पिक को इंसर्ट किया, उसे हम ओरिजिनल क्लोथ फेल तक नहीं लेके जाएंगे, फॉल्स क्लोथ फेल तक लेके जाएंगे। सेकंड पिक इंसर्ट हुई, उसको भी हम फॉल्स क्लोथ फेल तक लेके जाएंगे, और थर्ड पिक जैसे ही इंसर्ट होगी और बीटअप होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पिक को हम एक साथ बीटअप करेंगे और ओरिजिनल क्लोथ फेल पॉइंट तक लेकर जाएंगे, जिससे सरफेस के ऊपर पाइल प्रोड्यूस होंगी, लूप प्रोड्यूस होंगी। तो इस मेथड को फॉलो करके हम पाइल यार्न की प्रोडक्शन करते हैं। फोर पिक टेरिपाइल में तीन पिक तक हम फाल्स बीटअप करते हैं, जैसे ही फोर्थ पिक आती है हम चारों पिक को एक साथ ओरिजिनल क्लोथ फेल पॉइंट तक बीटअप करते हैं, जिससे पाइल प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही फाइव पिक में फोर पिक आने तक हम फाल्स बीटअप करेंगे, फिफ्थ पिक आने पर पांचों पिक को एक साथ ओरिजिनल क्लोथ फेल तक लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से इस मेथड में हम पाइल प्रोड्यूस करते हैं। अब जो पाइल की हाइट है वो डिपेंड करती है जो हमने गैप क्रिएट किया है ओरिजिनल क्लोथ फेल और फाल्स क्लोथ फेल के बीच में। अगर वो गैप ज़्यादा है तो पाइल की हाइट ज़्यादा होगी, अगर वो गैप कम है तो पाइल की हाइट कम होगी। तो जो हाइट है पाइल की इस मेथड के अंदर
वो जो हमने गैप क्रिएट किया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा गैप होगा पाइल की हाइट उतनी ज़्यादा होगी। पाइल की हाइट ज़्यादा होने से बेनिफिट ये होता है कि जो यार्न है वो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा यार्न मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा अगर पाइल की हाइट ज़्यादा होगी। तो इस मेथड को, इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम पाइल, टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, G1 की जो मूवमेंट है वो है टू अप वन डाउन, इसका रिवर्स टू डाउन वन अप। जब हम प्लेन वीव, अगर हमें कोई प्लेन वीव ड्रॉ करने के लिए बोले तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, वन अप वन डाउन, वन डाउन वन अप। हम दोनों यार्न को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिनके बीच में हमारी एक पिक आ रही है। हम कभी भी प्लेन वीव को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, वन अप वन डाउन। सिमिलरली ग्राउंड के लिए जो हमने वीव ली है वो है टू अप वन डाउन। अगर टू अप वन डाउन हमें वीव रिप्रेजेंट करनी है तो हमें उसका रिवर्स भी उसके अंदर शो करना पड़ेगा, जो हमारा ग्राउंड यार्न जिसके साथ हमारी पिक इंटरलेस हो रही है। तो इसलिए हमने इसको टू अप वन डाउन, टू डाउन वन अप ऐसे शो किया। उसके बाद जो हमारी प्लाइल की वीव है, पाइल की वीव भी हमारी टू अप वन डाउन है, बट हमने उसे वन डाउन वन अप या वन अप टू अप वन डाउन इस ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है, क्योंकि बाइंडिंग अच्छे से हो सके इस पॉइंट पर। अगर हम इसके पैरेलल लेते हैं, यहाँ से हम टू अप वन डाउन वीव ड्रॉ करते हैं जैसे कि हमारी ग्राउंड की वीव है, तो जो हमारा पाइल यार्न होगा उसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी ये देखते हैं हम। ये हमारी ग्राउंड की व्यू है, टू अप वन डाउन, टू अप वन डाउन, ये फिर टू डाउन वन अप, ये हमारा ग्राउंड फैब्रिक है। अब अगर हमने पाइल की व्यू भी इसी प्रकार से यहाँ पर टू अप ले लिया, यहाँ पर वन डाउन ले लिया, तो जो हमारा पाइल होगा वो यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे। तो इसके अंदर जो बाइंडिंग है वो है यू बाइंडिंग और इसके अंदर डब्ल्यू बाइंडिंग। डब्ल्यू बाइंडिंग यू बाइंडिंग से ज़्यादा स्ट्रोंग होती है, पाइल को ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके रखती है, इसलिए हमने इस तरीके से टू अप वन डाउन वीव इसके अंदर यूज़ की है ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो सके पाइल यार्न की। तो अगर हमें डबल साइडेड स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमने G1 की जो मूवमेंट थी, G2 उसका रिवर्स था रूटीन में, जो इसके अंदर भी वही है सेम, बट इसके अंदर सिंगल साइडेड में पाइल यार्न की मूवमेंट सेम रहेगी पूरे रिपीट के अंदर इसी प्रकार से। लेकिन अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं रिवर्सिबल पाइल या डबल साइडेड स्ट्रक्चर, तो जो P1 की मूवमेंट थी इसके अंदर वन अप टू अप वन डाउन, तो इसके अंदर वो इसकी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर अप था तो यहाँ पर डाउन कर दिया, यहाँ डाउन था तो यहाँ पर अप कर दिया, यहाँ अप था तो यहाँ पर डाउन कर दिया। अब इसकी मूवमेंट को अगर देखें हम, वन अप उसके बाद वन डाउन उसके बाद वन अप, फिर अगर हमारी वीव रिपीट होती है ऊपर, तो जब हमने ये रिपीट ऊपर दोबारा रिपीट किया तो ये देखिए वन अप टू अप वन डाउन, वन अप टू अप वन डाउन, तो वही ऑर्डर सामने आ रहा है। तो वन अप टू अप वन डाउन, तो यहां पर वन अप ये हमारा वन अप है, उसके बाद टू अप, ये दो वेफ्ट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पिक हैं ये सिक्स पिक यहाँ पर हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सिक्स, ये सिक्स पिक्स जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो फर्स्ट पिक पर जो हमारा पाइल यार्न है फर्स्ट पिक के अप है यहाँ पर, सेकंड पिक के डाउन है, सेकंड पिक के हमारा पाइल डाउन है, थर्ड पिक के अप है, फोर्थ पिक के अप है, फिफ्थ पिक के डाउन है, सिक्स्थ पिक के अप है। जो इसके अंदर हमने वीव डिजाइन की है वही हमने क्रॉस सेक्शन में दिखाया है। अब इसी प्रकार से अगर P2 की मूवमेंट हम देखते हैं, P2 ये है हमारा P2, तो P2 फर्स्ट पिक के डाउन है, फर्स्ट पिक ये है हमारी, तो P2 यहां पर डाउन है, ब्लैंक का मतलब डाउन, और ये जो मैंने शेडी डेरिया किया है ये अप। तो P2 फर्स्ट पिक के डाउन है, सेकेंड पिक के अप है, थर्ड और फोर्थ पिक के डाउन है, थर्ड
थर्ड और फोर्थ पिक के डाउन है, रिवर्सिबल में ये बैक साइड में लूप बना रहा है, लेकिन हमारी वीव के अंदर ये डाउन दिख रहा है क्योंकि ये बैक साइड में अप है, इसलिए हम फेस साइड से जब वीव को बना रहे हैं तो यहाँ पर डाउन दिखाएंगे। फिर फिफ्थ पिक के हमारा जो बैक पाइल है वो अप है और सिक्स्थ पिक के डाउन है। तो इस प्रकार से हम डबल साइडेड की वीव प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्स्ट पिक के डाउन, सेकंड पिक के अप, थर्ड और फोर्थ पिक के डाउन, फिफ्थ पिक के अप और सिक्स्थ पिक के डाउन। इस प्रकार से हम पाइल यार्न को प्रोड्यूस कर सकते हैं, टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड में लूप प्रोड्यूस करनी है, यानी रिवर्सिबल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हम ये वीव यूज करते हैं। इसके लिए जो लूम के अंदर हम हील्ड शाफ्ट यूज करते हैं, पाइल यार्न के लिए अलग हील्ड शाफ्ट हैं और ग्राउंड यार्न के लिए अलग हील्ड शाफ्ट हैं, उनकी वर्किंग अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन काम करती है, डिज़ाइन के हिसाब से उनकी वर्किंग होती है। ये डबल साइडेड स्ट्रक्चर ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके हम टेरी पाइल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम टेरी वीव्स को कितने तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सबसे पहले है थ्री पिक टेरी, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड स्ट्रक्चर। तो सिंगल साइडेड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड की मूवमेंट G1 और G2 की मूवमेंट एक दूसरे की रिवर्स है, जबकि पाइल की मूवमेंट सेम है, क्योंकि इसके अंदर पाइल सिंगल साइडेड स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको सेम रखते हैं। पाइल की जो मूवमेंट होगी या पाइल के जो डिज़ाइन होगा वो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम डबल साइडेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जैसा वीव में देख पा रहे हैं, ग्राउंड और ग्राउंड की जो मूवमेंट है G1 G2 की वो एक दूसरे के रिवर्स है, इसी प्रकार से पाइल की जो मूवमेंट है P1 और P2 वो भी एक दूसरे के रिवर्स है। दोनों के लिए हमने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है थ्री पिक टेरी में, वो टू अप वन डाउन वीव डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया है। जनरली टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए थ्री पिक और फोर पिक मेथड का यूज़ किया जाता है, बहुत ही रेयरली फाइव पिक और सिक्स पिक मेथड का यूज़ किया जाता है। तो फोर पिक में अगर हम देखें तो फोर पिक के अंदर हमने ग्राउंड के लिए जो वीव ली है वो है थ्री अप वन डाउन, और पाइल के लिए भी हमने वही वीव ली है थ्री अप वन डाउन, बट उसको जब हमने अरेंज किया है तो आप जैसा कि देख सकते हैं ग्राउंड में हमने जो वीव स्टार्ट किया है वो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट की है, वन अप टू अप थ्री अप वन डाउन, और उसके बाद जो पाइल की वीव हमने सेलेक्ट की है वो यहाँ से स्टार्ट की है, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट नहीं की, ताकि जो फ्लोट है उसको रोका जा सके। लॉन्ग फ्लोट को अवॉइड करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए और अच्छी बाइंडिंग प्रोड्यूस करने के लिए हम इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो पाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो ऊपर यहाँ से बीच में से हमने स्टार्ट की है, वन अप टू अप थ्री अप वन डाउन। तो इस तरीके से हम थ्री अप वन डाउन वीव को रीअरेंज करके एक अच्छी बाइंडिंग दे देते हैं पाइल के अंदर, और ग्राउंड फैब्रिक को भी एक अलग तरीके की बाइंडिंग मिल जाती है इस तरीके से यूज़ करने से। अब अगर डबल साइडेड स्ट्रक्चर की बात करें फोर पिक टेरी पाइल में, तो हमने वही वीव ग्राउंड के अंदर थ्री अप वन डाउन वीव ली है, इसका रिवर्स G1 का रिवर्स G2 में है, और पाइल की जो वीव है वो P1 में जो वीव है उसका रिवर्स हम P2 में भर देंगे। रिवर्स करने से जो बैक साइड में हम लूप प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो लूप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम पाइल के अंदर सेम वीव रखते हैं, जब भी पाइल यार्न आता है वन ग्राउंड वन पाइल, वन ग्राउंड वन पाइल, ये रेशो लेके चलते हैं, तो जब भी पाइल की वीव आती है अगर हम उसको सेम रखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर सिंगल साइडेड होगा। अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे, P1 की जो वीव है उसको P2 के रिवर्स कर देंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर डबल साइडेड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर फाइव पिक टेरी पाइल स्ट्रक्चर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम दो तरीके, दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला वीव डिज़ाइन जो हम ले सकते हैं वो है टू अप वन डाउन प्लस वन अप वन डाउन, ग्राउंड वन के अंदर, और ग्राउंड टू के अंदर जो हम वीव सेलेक्ट करेंगे वो इसका रिवर्स होगी। सिमिलरली जो पाइल के लिए हमने वीव ली है वो भी टू अप वन डाउन प्लस वन अप वन डाउन ली है, लेकिन लॉन्ग फ्लोट को ब्रेक करने के लिए हमने उसको एक अलग ऑर्डर में
अरेंज किया है। तो दूसरा जो मेथड है सिंगल साइडेड फाइव पिक टेरिपाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने का, उसके अंदर हम ग्राउंड की वीव टू अप वन डाउन प्लस वन अप वन डाउन ही रखेंगे, लेकिन पाइल को हम फोर अप वन डाउन फोर अप वन डाउन ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो दो तरीके से हम सिंगल साइडेड फाइव पिक टेरिपाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला है जिसके अंदर हम पाइल की वीव टू अप वन डाउन प्लस वन अप वन डाउन लेंगे, और दूसरा है जिसके अंदर हम पाइल की वीव फोर अप वन डाउन लेंगे। इन दोनों तरीके से हम सिंगल साइडेड फाइव पिक टेरिपाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर डबल साइडेड स्ट्रक्चर की बात करें फाइव पिक टेरिपाइल में, तो डबल साइडेड स्ट्रक्चर में हम वही पहला मेथड है टू अप वन डाउन प्लस वन अप वन डाउन, वही वीव हमने पाइल के लिए, लेकिन पाइल के अंदर हमने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। और इसी प्रकार से टू अप वन डाउन फोर अप वन डाउन हमने ली ग्राउंड के अंदर, फोर वन डाउन को जो हमारा ऑर्डर था उसको हमने रिवर्स कर दिया पी वन और पी टू के अंदर। तो जैसे ही हम रिवर्स करते हैं ऑर्डर, जो पाइल की फॉर्मेशन है वो डबल साइडेड हो जाती है, दोनों साइड पे हम पाइल यार्न को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की वीव हैं जो हम टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और इस तरीके को यूज करके, इस मेथड को यूज करके हम टेरी पाइल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमें सजेस्ट कीजिए दूसरे टॉपिक्स जो आप लोगों ने पहले वीडियो सजेस्ट किए हैं, टॉपिक सजेस्ट किए हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे उन सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं टेक्सटाइल टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp.org, हमारा फेसबुक पेज। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।